नेचुरोपैथी क्या है बेसिकली। तो ये छह डॉक्टर सब देख रहे हैं, अगर इन डॉक्टर्स के पास आप रोज जाते हैं तो आपको किसी सातवें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पहला डॉक्टर आपका सनशाइन, रूप स्नान अगर आप करते हैं, टाइम क्या है रूप स्नान का, सनराइज के बाद डेढ़ घंटा, ठीक है। अगला है वाटर, पानी बहुत जरूरी है, कहते ना पानी नहीं ना उपरे मोती मनुष्य। इस श्लोक का मतलब पता है कुछ दोहा का, पानी की वैल्यू कितनी ज्यादा है आपकी हर जगह, आपकी सोशल लाइफ में पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, सोशल लाइफ में पानी कहाँ इस्तेमाल करते हैं पता है, पानी में इज्जत इज्जत। सो रिस्पेक्ट बेसिकली आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में क्या है, वैसे ही ये पानी जो है आपके अंदर की रिस्पेक्ट को बचाता है। जो जितने भी टॉक्सिन्स आप खाते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, खाने से जो आज की डेट का जो हमारा खाना है पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें जो हैं ये सब टॉक्सिन्स क्रिएट करती है बॉडी में, इन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियाँ होती हैं। तो इन टॉक्सिन्स को अगर कोई फ्लश आउट कर सकता है तो वाटर है। पानी जो है, पानी में ऐसा क्या है ये जो आपके लिए इतना हेल्पफुल है, जब पानी की इतनी क्या स्पेसिफिकली है ये इतना पावरफुल है जो इतने सारे काम करते हैं, क्योंकि वो तीन स्टेज पे काम करता है, सरफेस भी हो सकता है ठीक है वो जल्दी और होती है और फ्लो करता है तो वो किसी चीज को फ्लो ही होता है। वेरी गुड। अच्छा पानी के मॉलिक्यूल के बारे में बता दूं कॉन्फिगरेशन कैसा है, कैसा होता है जो आपके माइनस प्लस जो है पानी इसलिए कर देता है क्योंकि वो उसका जो पीएच वैल्यू है वो चार और उनके बीच का यानी 10 होता है, इसलिए उसका न्यूट्रल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई इसके कारण इसमें एक विशेष गुण होता है, इस पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन कारण कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है जो इधर करते हैं H2O का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जिसके कारण कुछ विशेष गुण होते हैं इसके अंदर, आप लोगों को पता है बट आई थिंक अभी शायद जो मैं सुनना चाह रहा हूँ दिमाग में नहीं आ रहा है। दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं वस्तुएं हैं जो पानी में मिल जाती हैं, सोल्युबल चीजें पता है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं पानी को, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस लाइन का मतलब पता है क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में होता 95% चीजें 5% छोड़ देते हैं अपवाद में पानी में घुल जाती है। जब आप पानी पीते हो तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं सब डिजॉल्व होके जो नहीं घुल सकते ऑयल में या किसी में वो डिजॉल्व होके आपकी यूरिन से आपकी स्किन से आपके स्टूल से बाहर हो जाएंगे। तो पानी इंपॉर्टेंट इसलिए है पीना, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यह आपकी बॉडी को फ्लश आउट करता है क्लीन करता है। तो 4 लीटर तक पानी कम से कम एक व्यक्ति को पीना चाहिए गर्मियों में और सर्दियों में लगभग 2.5 लीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, 2.5 लीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर प्लस 500 ग्राम हमेशा होना चाहिए उस सरप्लस द थिंग्स राइट। इससे फायदे क्या होंगे, स्किन अच्छी रहेगी आपकी, त्वचा हमेशा ग्लो करती रहेगी, दूसरा कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कभी नहीं होगी आपको, तीसरा थकान महसूस नहीं होगी आपको, चौथा डिहाइड्रेशन की समस्या कभी नहीं होगी। और नेचुरोपैथी में कहते हैं कि दो ही चीजें पानी से जुड़ी बीमारियां दो ही होती हैं, या तो पानी ज्यादा है या पानी कम है, बैलेंस से तो कोई परेशानी नहीं है। तो ज्यादा पानी का मतलब एक्सेस वाटर हो गया बॉडी में और कम का मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। अब ज्यादा पानी से जुड़ी बीमारियां बहुत है, कम पानी की बीमारियां कम होती है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी में वाटर कम होने नहीं देती है, ये रिकूप करती रहती है, इंटेलिजेंट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पूरे यूनिवर्स में। ये क्या करती है, हाइड्रोसेफेलस का एक नाम सुना होगा कभी आपने, पानी भर गया सिर के अंदर, जनरली छोटे बच्चों में ज्यादा होता है चीज, या फिर फेफड़ों में पानी भर गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेट में पानी भर गया उसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस में एसआईटिस हो गई, पूरे शरीर में पानी भर गया तो बोलते हैं एनएसआर का हो गया,
ठीक है, अगर आंखों के आसपास पानी भर गया तो उसके पैपिलरी में हो गया, पैरों में भर जाता तो उसके पैपिलरी में हो गया, ये सब मेडिकल टर्म है। शरीर के जिस अंग में पानी इकट्ठा होता है उस शरीर का जो लैटिन नाम है या ग्रीक नाम है उससे पानी को बोलते हैं, पानी को लैटिन में हाइड्रो बोलते हैं, बस हाइड्रो जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये सब पानी से जुड़ी बीमारियां हैं। तो ये देख लिया ना डॉक्टर, वाटर के बाद क्या है, रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है, मेंटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट या फिजियोलॉजिकल रेस्ट। क्लियर? पानी के बिना घंटों रह सकते हैं शायद, श्वास के बिना रह सकते हैं, अगर शुद्ध वायु नहीं होगी खत्म रह सकता है। दिल्ली में आज के डेट में आपको पता है सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि हर व्यक्ति की एज जो है 5 से 7 साल कम हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एयर। तो दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है, जीवन गुजारने लायक नहीं, ठीक है। आप इस एनवायरमेंट में रहो, लकी हो, ऐसे एनवायरमेंट में अभी रहता हूँ। क्लियर के बाद एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है, व्यायाम होती होगी रोज, ये एक्सरसाइज केवल अभी नहीं करनी है ट्रेनिंग पीरियड में, जिंदगी भर इसको अपना हिस्सा बनाना है। ये भी आपका भोजन है, जैसे पेट के लिए रोटी रोटी खाते हो आप या फल खाते हो, वैसे ही शरीर की मांसपेशियों के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज नहीं हुई तो जोड़ जकड़ जाएंगे, स्टिफनेस बढ़ जाएगी आपकी, सर्कुलेशन स्लगिश हो जाएगा बॉडी में, और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा आपके ऑर्गन्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को, नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन तो क्या होगा, तो पोषण कहते हैं उसे। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए, और भिंडी भाई पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्या होगा, कुपोषण हो जाएगा। डाइट, सो डाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। उसने तीन चीजें सीख ली जीवन में, उसे जिंदगी से जो जिसे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां वो तो नहीं होगी, ठीक है। तो इन छह डॉक्टर बहुत जरूरी है, इन छह डॉक्टर को जो रिलीजियसली फॉलो करता है वो अपने जीवन में जीवन से जुड़ी जो जीवन शैली की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से ग्रसित तो नहीं होता है। एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है दिमाग में, ह्यूमन बींग्स है ना, हम रोज इस तरह के प्रश्न का सामना करते हैं, सर मैं गुटखा नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये प्रॉब्लम। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर हम बात करेंगे तो कार्मिक थ्योरी कहती है, जो कर्मास हैं वो हमें यही बताते हैं, ठीक है। अब कहाँ से कैसे अटैक करेंगे वो, कहाँ से आपको अटैक करेंगे वो कर्मास, वो आपको नहीं पता। हम शायद ये समझते हैं कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है चाहता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सही है, सारे रूल्स रेगुलेशन कानून जो भी चीजें हैं, पर जरूरी नहीं है कि प्रकृति के हिसाब से सही है ना। तो हम सभी गलतियाँ करते हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें अपने चाह कर भी अपने आप को नहीं बचा सकते, एयर से नहीं बचा सकते, वाटर से नहीं बचा सकते अपने आप को, जो खाना आपको मिल रहा है उसे नहीं बचा सकते। सो बस यही है कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना कपा लो कि आप उसे लड़ सको। उसमें उपवास आपको बहुत मदद करता है। उपवास के अगर स्टडी पढ़ी हो आपने तो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी की, उससे जो फास्ट करता है उस बंदे को अल्जाइमर्स कभी नहीं होता, उसे भूलने की बीमारी जैसे भी बढ़ाते हैं। और फास्ट करने से एक चीज और होती है, एक बॉडी में फिनोमेना होती है जिसे बोलते हैं ऑटोफैगी। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो शरीर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उन चीज़ों को खाता है जो आपके लिए अनवांटेड है। तो उस व्यक्ति में 85% संभावना है कि उसको जीवन में कैंसर भी होगा जो फास्ट करता है, कम से कम 16 घंटे का फास्ट करता है। वीक में आप एक दिन को भी चुन सकते हैं। कभी आपने जिराफ को देखा ऐसा, गाय को देखा कभी आपने, हॉर्स को देखा कभी आपने, ऐसा हॉर्स जैसे इसमें दिख रहा मोटा, इसका तो बीमार नॉट हेल्दी, ये बीमारी की कंडीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी जानवर इतना मोटा नहीं होता, इतना मोटा हॉर्स है तो चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, बहुत रियल है। रियल ऑफ रियल केसेस में आपको पता नहीं,
अदरवाइज एनिमल्स कभी भी ज्यादा नहीं दे हैव द इंटेलिजेंस कोई इंटेलिजेंस उनके पास है कि उन्हें कितना आता है सिवाय हमें छोड़ के ह्यूमन को छोड़ के ये स्थिति है ह्यूमन की अक्सर मिलते हैं ऐसे हर टीम में से एक ऐसा है और 39% बहुत होता है ये 2014 के कोर्स है अभी 2018 है चार साल में बढ़ गया 1975 का जो आंकड़ा था हमारे पास 11 मिलियन लोग डायबिटिक थे ठीक है सॉरी ओबेस थे और 2016 का जो आंकड़ा है 124 मिलियन लोग ओबेस थे कितना बना हो गया था दस गुने से ज्यादा हो गया तो ये स्थिति है इस स्पीड से बढ़ रहा है 2025 तक ये डबल हो जाएगा अगर ये स्थिति जो हमारी स्थिति अभी खाने में नहीं सो आज की स्थिति में ऐसा आया अभी क्या है स्ट्रेस है पता नहीं किस चीज का स्ट्रेस है स्ट्रेस है बस तो दो दो सेकंड क्लास में बच्चा पढ़ता सोच लो भाई क्या है स्ट्रेस है टेंशन है पेपर को बात करता हूँ पढ़ाई का टेंशन तो इतना बर्डन कर दिया बच्चे के वजन से ज्यादा उसका व्यक्त का वजन होता है कितने सारे प्रोजेक्ट तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं बनाए ग्रेजुएशन में कितने प्रोजेक्ट वो बना लेते हैं अगर कर भी है तो ऐसा लगता है पता नहीं इतना सारा प्रोजेक्ट ये बनाएगा हमें बनाना है अपनी जिंदगी में तो बनाएंगे जब हम सेकंड क्लास में जब बना रहे हैं चालीस साल के बंदे होने के बाद अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हर लेवल पर अडल्ट्रेशन होता है दूध से लेकर जो आपके घर में जो पीछे जा रहे हैं तो होता पता है बेईमान हो कमाना चाहते हैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं उस प्रॉफिट के लिए हम सब की हेल्प कराते हैं तो ये भूल जाता है जो सामान मैं बेच रहा हूँ मेरा घर में है ना तो ये ध्यान रखना चाहिए कोई चीज़ अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट ध्यान रखना चाहिए पुअर डाइटरी हैबिट्स जब आप ऑफिस में बिजनेस साहब हो गए जब ऑफिस में काम करने जाएंगे तो लंच ब्रेक में कुछ नहीं है कौन खाना खाएगा चलो एक बर्गर खा लेते हैं ब्रेड ले आते हैं ब्रेड खा लेते हैं जैसे बना के खा लेंगे ऐसा होता है ना रात को देर तक बैठेंगे रात को देर तक ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो हमारा बहुत समय कहेगा शाबाश ये हार्ड वर्किंग मैन नहीं गलत इंप्रेशन है आदमी भी गुरु है जो एक नज़र रखी जाती है वहाँ पर लोगों के जो लोग अपने ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के काम करते हैं उनको विशेष ध्यान रखा जाता है और उनको कुछ दिन ऑफिसर बनने का वहाँ से हटा दिया जाता है क्यों पता है क्योंकि वो फ्रॉड कर सकते हैं क्योंकि वो इफिशियंट नहीं अपने काम के लिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपना काम नहीं खत्म कर रहे इसका मतलब आप not efficient enough to finish over within the limit. So, ज़्यादा देर तक बैठ के बॉस की वाहवाही नहीं मिलेगी गलत negative impression जाता है अगर आपको एक टास्क दिया गया है उसके अंदर 8 घंटे दिए गए 8 घंटे खत्म होगा इसके अंदर लिमिटेड नॉलेज इसमें आई थिंक गलती से लिख गया अगर मैं इसको लिखूँ तो अनलिमिटेड नॉलेज का क्यों गूगल बाबा चंद्र दास आज आप एक दवाई लेकर आते हैं डॉक्टर साहब गूगल करते हैं ऐसी गलती कभी नहीं गूगल इस बात आंसर पर आते तो डॉक्टर को भी पता है जिसने आपको दवाई दी है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है आप कुछ नया पढ़ने वाले नहीं लेकिन साइड इफेक्ट से ज्यादा जरूरी था उसके इफेक्ट क्या है अगर साइड इफेक्ट इफेक्ट से कम है तो चलेगा तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें गलत और सही निकालने लगते हैं ये गलत है ये सही है गलत है सही है नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग सिचुएशंस सही गलत होती है परिस्थितियाँ गलत और सही होती हैं चीज़ें गलत और सही नहीं होती आप कहाँ हो किस जगह हो कैसी सिचुएशन में फंसे हो डिपेंड करता है हेक्टिक लाइफस्टाइल हो जाएगा ऑब्वियसली अभी ये नशे का दिखे खत्म हो जाएगा आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं अभी जब काम मिलेगा काम करना है और पॉल्यूशन और नो एक्सरसाइज ऐसी स्थिति होती है नहीं होती है सही बताओ किसी व्यक्ति ऐसी स्थिति है समाज में जब तक आप यहाँ हो तब तक तो ठीक है वंस यू आर इन योर वर्क उसके बाद आपको फुर्सत नहीं
ना। और दिल्ली जैसे शहर में गुनगुना और भी है, हम दिल्ली में 4 घंटे के रोड पर बिता देते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है। 8 घंटे के अलावा 4 घंटे हम रोड पर बिता रहे हैं, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे 12 तो गए राइट। तो उन्हीं 12 घंटे में जो बच गए उसमें सोना भी 8 घंटे बचे, 4 घंटे, 4 घंटे अपने लिए भी टाइम निकालना है, खाना भी खाना है, डेली रूटीन की चीज़ें भी करनी है, सब कुछ करना है। सो हाउ टू मेक 24 आवर्स इन 24 आवर्स, 24 घंटों को 25 घंटे में कैसे बदला है? सोचो जापान जैसी कंट्री 3 बार पूरी तरह से नष्ट होने के बाद भी आज भी 3rd नंबर की इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड में। कुछ तो ऐसा होगा ना वहाँ पे जिसके कारण वो 3rd नंबर की इकोनॉमी आज भी बना हुआ है, जबकि ये कहा जाता है कि जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है तब। और अगर ये कहता है बहुत अच्छी, तो क्या होगा? आपने 11 टोकियो देखी किसी ने? नहीं देखी? 11 टोकियो मूवी में इसलिए नहीं बोल रहा कि उसमें कुछ वैसा है, इसलिए बोल रहा हूँ 11 टोकियो देखिए। तो उस समय उस मूवी में मेट्रो दिखाई गई है, कितना पीछे हम लोग, उतनी स्पीड से भागने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम नहीं है, मेरा टाइम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कहते रहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री हम डेवलपिंग ही नहीं रहेगी बहुत जब तक हम सोच नहीं करते, जब तक हम पान की मुखड़ पर खड़े होकर 2-4 घंटे बर्बाद ऐसे ही कर देते हैं, करते तो नहीं करते थे शाम का समय, प्रोडक्टिव नहीं है, फिर हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास कुछ करने के। सो ऐसी स्थिति है और इसी का कारण है डिसीजेस। वन पर्सन है मल्टीपल डिसीजेस है, मल्टीपल स्पेशलिस्ट भी बजाते हैं। अब मॉडर्न सिस्टम में चले जाए तो कान वाला कहेगा कि कान वाले के पास जाओ, कहते हैं भाई साहब जरा फेफड़े की थोड़ी गड़बड़ है हमारी, कहता है फेफड़े वाले के पास चले जाओ जो वहाँ बैठा है, फेफड़े वाले के पास पहुँच गए अच्छा जो ठीक है, आपने सर थोड़ा गला भी देख लो ना, कहते हैं भाई साहब आप TNT को दिखाना पड़ेगा। तो फेफड़े वाले ने फेफड़े की दवाई लिख दी, कान वाले ने कान की दवाई लिख दी, अब TNT के पास जाओ आपको TNT क्या लिख दी, अब आपको कोई बुखार आ गया तो नॉर्मल फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, यहाँ भी चले जाए। उन चारों को नहीं पता कि जो मैंने दवाई लिखी है उसकी दवाई के साथ क्या इंट्रेक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, तो केमिकल मिलेंगे ऑब्वियसली उसमें रिएक्शन होगा, हमें नहीं पता कि मेरे को नहीं होगा कि इफेक्ट इनका। अब आप कुछ देर में कफ सिरप साथ क्या करते हैं, कफ सिरप पियो, उसको दोनों चीज लिखी एक्सपेक्टोरेंट भी लिखा हुआ है और ड्राई कफ के लिए भी लिखा हुआ है, अब कॉम्बिनेशन मिकोलाइट भी लिखा हुआ है। अब भाई साहब बाहर निकालेगा पहले पिघलाएगा क्या क्या करेगा, तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन आ रहा है उसके कारण से रिजल्ट सुबह पुअर हो गए, बिकॉज देयर आर डूइंग ई वन रिएक्शन इन अ टाइम, दो चीजें एक साथ है दोनों कॉन्सेंट्रेट नहीं पता ही नहीं, तो इतनी इंट्रैक्शन की वजह से क्या रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर जो है मल्टीपल मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट्स मल्टीपल हो रहे हैं। नोबडी नोज व्हाट इज इंट्रैक्शन बिटवीन द टू मेडिसिन, ऐसी बहुत सारी दवाई खाने के साथ नहीं खानी, डॉक्टर को नहीं पता क्या करें, यानी कॉन्सेप्ट है कि खाना कब करता है, कौन सी दवाई ऐसी है जो खाने से पहले खाने से ज़्यादा असर करती है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिसमें हम कम फोकस करते हैं, तो इसलिए हमें बीमारियों का घर बन जाता है हमारा शरीर एंड ऑफ द डे। और ये बात बहुत सही है, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स, आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को यार जुकाम नहीं होना चाहिए था, बाकी कुछ हो जाता है बुखार आता तो चल जाता है, बुखार होता तो आदमी कहते हैं बुखार नहीं होना चाहिए, छोट मोट होती तो ठीक है यार never complain करने में कुछ नहीं है ना, जो मिला है शरीर उसकी देना उसको टेन करना चाहिए, जिन माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा किया था भेजा उनको टेन करना चाहिए, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं जिन फ्रेंड्स में रह रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टेन करना चाहिए, तो थैंक्स करना बहुत जरूरी है। तो ये डेफिनेशन है कि ब्रेवर सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक हीलिंग
इसको नेचुरोपैथी कहते हैं, यहाँ बिना दवाइयों के बाद इलाज करते हैं, कोई दवा नहीं है, किसी को दबाना नहीं है, है ना। हेल्थ इज कंप्लीट सेट ऑफ फिजिकल मेंटल मोरल सोशल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग एट मेनली इन एब्सेंस ऑफ ए डिजीज। दिस डिजीज मींस व्हाट? दिस डिजीज नॉट अ डिजीज। आप कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट नहीं है आपकी बॉडी बॉडी में, माइंड में, कहीं भी, वो डिजीज कह रहा है। तो आज की डेट में हम देखें तो हार्डली 0.001% लोग होंगे जो इनको डिजीज नहीं है, बट दिस इज जो है आप इसको नहीं खराब करें तब तक डिजीज ठीक है, जब तक इसको डिस्टर्ब ना करें तब तक तो ठीक है ना। आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, आपकी फंक्शनिंग को इंटरफेयर ना करें तो ठीक है। अगर मेरे घर में कुछ ऐसा सामान पड़ा है जो मुझे कोई बॉडर नहीं कर रहा है, पड़ा है तो नहीं पड़ा है क्या बना तो ठीक है, पर द मोमेंट इट स्टार्ट हर्टिंग एंड बॉदरिंग यू फिर समस्या है ना। सो बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, किसने बोला था यहां पे, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, क्षितिज जल पावक तरण समीरा, तो पांच तत्व यही है दिख रहे हैं। इसमें कुछ कुछ डिनोट किया हुआ है, लंग्स एयर से रिप्रेजेंटेड है, फायर आपकी मेटाबॉलिज्म है, वाटर आपका ब्लड एंड लिम्फ है, अर्थ आपके बोन्स और मसल्स हैं, और स्पेस जो है आपका बॉडी के एम्प्टीज है। ये बड़ा ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है, ये पूरी हेल्थ को डिनोट करता है ना। फायर ज्यादा है तो क्या बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, जब हम जब डॉक्टर्स की चेयर पर बैठते हैं हाइपरसिटी होगी सर, फायर ज्यादा हो गई, खराब नहीं जिसे बोलते बढ़ गई है, जब एसिड कम होता है तो बोलते हैं एपिलेप्सिया हो गया, आपकी एसिड सिक्रीशन कम हो गया, तो डाइजेशन नहीं होता। दोनों स्थिति में भोजन का नुकसान होता है, अगर डाइजेशन ठीक से ना हो या फिर आपका हाइपर एसिडिटी हो जाए। अगर लेमैन को समझाना हो तो कैसे समझाओगे, चूल्हे पे रोटी रख दी आपने और आग बहुत जला दी, क्या रोटी काम की रहेगी खाने की, आग ही नहीं जल रही है रोटी रखी, क्या होगा, अच्छी रह जाएगी काम की रहेगी खाने की। सो प्रॉपर कुकिंग कहिए या प्रॉपर टेम्परेचर कहिए, इसलिए जठराग नहीं और हाइपरएसिडिटी और एपिलेप्सिया दोनों अपोजिट होती है उसको पेट के अंदर। ब्लड और लिम्फ से मैंने बताया था आपको, जैसे पानी ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी में तो ये बीमारियों का अलग अलग नाम होते हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब बीमारी लंग से जुड़ी हुई बीमारियाँ ये से रिलेटेड होती है। बॉडी के एम्प्टी से जुड़ी हुई बीमारी आपने सुना होगा कि मन लोग बोलते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसी चीज़ें बताते हैं जहाँ कुछ है नहीं ऐसा दर्द होना चाहिए, वहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम में क्रिएट होता है तो वहाँ न्यूट्रिशन नहीं होता, वैक्यूम में कुछ नहीं होता, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन एक जगह है आपकी बॉडी में जहाँ वैक्यूम क्रिएट करना अच्छा होता है, आकाश। तो ये पांच तत्व हैं, पांच तत्वों को बैलेंस रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखो बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छा होता है गो नेचुरल, गो लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जो भी जीवित है वो खाना है, जो जीवित है वो खाना है, डोंट मिस्टेक इट, जिंदा आदमी खाने से मतलब नहीं है, जिंदे का मतलब है जिसमें लाइफ है। फ्रेश फ्रूट्स जब पेड़ से टूटता है तो लाइव होता है, उसकी पौला होती है, उसकी चमक होती है, इवेंचुअली विद द टाइम इट गेट्स ओल्डर, स्किन उसकी सैग होने लगती है, सिकुड़ जाता है, जैसे बूढ़े जब होते हैं तो क्या होता है, वो भी बूढ़ा हो रहा है, उसकी भी लाइफ टाइम है, उसका खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फ्रेश खाना है मैक्सिमम, अनाजों को पानी में भिगो के खाना है, अंकुरित करके खाना है, जिससे वो भी जीवित हो जाए। एक दाना हजार दाने पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, तो पोटेंसी देखिए उस दाने की, तो आपके अगर बॉडी में जाएगा तो कितना न्यूट्रिशन से मिलेगा। तो अंकुरित करके चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए और फूड्स मेरे से ध्यान देना चाहिए। ए पर्सन इज मोर देन द सम ऑफ द डिजीजेस ही हैज, ऐसे ही है आज की डेट में। बिलीफ क्या है, ये मास्टर स्लाइड आप मान लीजिए, ये ही बिलीफ है और यही सब कुछ है, इसके बारे में कुछ नहीं है। पूरी नेशनल स्लाइड में फूड इज मेडिसिन, अगर भोजन अच्छा है, तो आयुर्वेद में एक कहावत है पथ्य कुपथ्य तो औषधि क्या,
और पत्र सुपत्र तो औषधि दोनों ही स्थिति में आपको औषधि काम नहीं करेगी। अगर आपका भोजन ठीक नहीं है तो भी औषधि काम नहीं करेगी, और भोजन सही है तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। So, toxin accumulation in the body causes a disease or elimination, restore the health. यही basic concept है, और इसी basic concept को पूरी नेचर की बुद्धि में toxins आते कहाँ कहाँ से? आज की डेट में उस थ्योरी को जो हम morbid matter थ्योरी कहते थे, टॉक्सिन थ्योरी कहते थे, टॉक्सिनिया कहते थे, उस थ्योरी को आज फ्री रेडिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और फ्री रेडिकल मेरे ख्याल से जो यहाँ पे इंजीनियर्स लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं होता क्या है। सेम पानी हमारे शरीर में को हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं फूड के कारण और ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण, और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं जगह जगह। सो फ्री रेडिकल थ्योरी इसलिए आई, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये थ्योरी इनके पास चली गई तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आने वाला युग केवल एंटीऑक्सीडेंट्स का ही होगा। अब आप डॉक्टर के पास जाओ तो विटामिन ई की गोली देता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट देता है, ब्रोमोलिन देता है, कुछ कुछ विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स। वो क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है जो ऑक्सीडेशन को बचाता है। ये फ्री रेडिकल का जो गोबरा था इससे ज्वाइन होता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है, इससे डैमेज ना करे आपकी बॉडी। तो ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, और हर डॉक्टर ये दिखता है कॉम्प्लेक्स सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और आपको नेचुरल इंडक्शन कहाँ से मिलते हैं पता है? जिस जेड पर आजकल हो दो दिन से फ्रूट में दो दिन से ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। मिनरल्स और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और वो उससे डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। सो अगर जवान रहना है कम से कम सप्ताह में एक दिन थ्रू आउट द लाइफ उपवास करें, फ्रूट्स करें या जूसेस करें, ठीक है। एलिमिनेशन कहाँ से होता है बॉडी में? फिर चार ऑर्गन है जहाँ से एलिमिनेशन होता है। स्कल बोलते हैं, SKLL, स्किन, किडनी, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये चार ठीक से काम कर रहे हैं शरीर में तो टॉक्सिन्स की मजाल नहीं कि आपके शरीर में डिपॉजिट हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि स्किन आपकी काम करती रहे और पसीना आता रहे आपको। आज की डेट में मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें से केवल 1% होते हैं जिनको पसीना आता है, 99% पसीना नहीं आता, बंद हो गया। क्यों हो गया है? एसी एनवायरनमेंट की वजह से। एसी इज द मोस्ट डेंजरस इन्वेंशन ऑफ दिस लाइफ। कूलिंग बहुत अच्छी करता है, मजा तो आता है इसके अंदर, बट पसीना नहीं आता। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन में से दो सेल्स खत्म हो जाती है, एक स्वेट ग्लैंड्स और एक सेबेशियस ग्लैंड, ये दोनों डेड हो जाते हैं। स्किन ड्राई आता है, रोज ड्राई हो जाती है, उसमें गैन एलर्जी हो जाती है। और अगर आपको अगर विश्वास नहीं होता है ड्राई करता है तो सेम रूमाल, गीला रूमाल बाहर डालो छाप में और एक रूमाल अंदर डालो एसी में, एसी में रूमाल जल्दी सूख जाएगा आपके बाहर। तो मॉइस्चराइजर अगर नहीं लगाया आपने, ह्यूमिडिफायर अगर नहीं लगाया आपने एसी वाले कमरे में, तो एसी के अंदर एसी का टेम्परेचर 27 से ज़्यादा इंक्लोड नहीं रखना चाहिए। कंफर्टेबल चाहिए ना, ठीक है, हम कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट आ रहा है, ठीक है, हम उसको 27 रखते हैं, 27 ठीक है, 27 से नीचे रखना हमारे लिए होता है। और सर्विसेज एसी की बहुत ज़रूरी है, जितना सीजन होता है उस सीजन में कम से कम 2 बार मिनिमम हो जानी चाहिए, 3 बार हो जाना चाहिए। जब कार के एसी में बैठो तो पहले विंडोज ओपन करो, एसी ऑन करो, फुल स्पीड पे पक्का फुल स्पीड पे चलाओ, 5 मिनट चलने दो उसको, उसके बाद गैस चढ़ाओ। एक तो एलर्जी छींके वाली जो परेशानी होती है हो सकती है। दूसरा, लंग्स से CO2 सबसे ज़्यादा बाहर जाएंगे तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। हमारे आज की एरा में लोगों को श्वास लेना भूल गए हैं, अगर श्वास लेते समय पेट अंदर जा रहा है तो आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको चेंज करो, आगे जाके आपको एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है ऐसा होता है, डोम जैसे होता है, जब ब्रीथ इन करते हैं तो फ्लैट होता है, और ब्रीथ आउट करते हैं तो ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो लंग्स में प्रेशर डालेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि पेट बाहर निकलना चाहिए। फिर लोग कहते सर श्वास तो छाती में भरनी है, मैंने कहा था पेट में भरनी है सर, पेट का फूलना ये नहीं दिखाता, पेट श्वास में जा रही है,
क्योंकि भगवान ने कोई रास्ता नहीं बनाया, अगर नाक से श्वास लें तो वो पेड़ में ठीक है, पेड़ पर मिल जाएगा, ठीक है, बट वो प्रोसेस गलत है, रिवर्स करने की कोशिश करिए, चेंज करने की कोशिश करिए, तभी आप डीप ब्रीदिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अपने पेप्रोसिन लक्षण से उसको बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि कहते जितना श्वास हम लेते हैं उतना ही श्वास बाहर आएगा। 500 ml नॉर्मली एक आदमी की कैपेसिटी है रेस्ट कंडीशन में ब्रीदिंग करने की, उस 500 ml में से 150 ml आप किसी हालत में बचा नहीं सकते, खराब होनी ही थी, नाक से लेकर फेफड़ों तक जाते जाते कुछ रास्ते ऐसे आते हैं जहाँ फंस जाती है वो एयर और वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता उसका, तो डेड स्पेस कहलाता है आपके ट्रेकिया का। तो इसलिए अगर आप लोग 300 ही ले रहे हैं और 300 में से 150 खराब हो गए, 150 की चेक करो एनर्जी कहाँ से आएगी, आग जलाने के लिए मेटल के लिए वॉशिंग चाहिए ना, इसलिए ब्रीदिंग की होनी चाहिए। यूरिन थ्रू किडनीज, पानी नहीं पीएंगे फिल्ट्रेशन कैसे होगा, पानी कम पीने से स्टोन्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो पानी जैसे मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जल्दी फ्रेश आउट करने के लिए, अगर पानी नहीं पियेंगे तो मल सूख जाएगा अंदर इंटेस्टाइन में, मल सूखेगा तो हार्ट हो जाएगा, हार्ट होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अच्छे बने रहे इसलिए पानी पीना जरूरी है, ठीक है। सो लर्न एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हेल्थ, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, पड़ोसी आपका नहीं काम करेगा, अगर ऐसा होता तो आज की डेट में मुझसे ज्यादा नहीं आदमी कोई नहीं होता। ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज, बीमारी की मत करो, बीमारी कभी ठीक नहीं, बीमार अगर ठीक हो गया तो बीमारी अभी तक रहेगी, सवाल ही तक रहता है किसी की, क्योंकि दो धुरंधर एक साथ कैसे रहेंगे, रहेंगे क्या नहीं। सो इतना पॉजिटिव अपने आप को बना लो, इतना स्ट्रांग अपने आप को कर लो कि कोई डिसीज आपको ना करे, ठीक है ना। प्रमोट द सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी, जो आज की डेट में आप कर रहे हो दो दिन से, ये आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए। रिमूव द रूट कॉज ऑफ द इलनेस नॉट द सिम्पटम्स, मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रहा अभी तक तो सिम्पटम्स को ठीक करना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट इज नॉट दैट ये सिस्टम बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है, इमरजेंसी में इससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं है, लाइफ सेविंग के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट हमारा उद्देश्य बीमारों को ठीक करना नहीं है, हमें बीमार होने से बचना है, हमारा उद्देश्य है कि बीमार होने ही ना, हम ऐसा क्यों काम करें कुछ होने के बाद कुछ करें, प्यास लगने के बाद दुआ नहीं होता है, पहले से पूरे पूछ रहे तो हम बीमार ना हो ऐसा कुछ हमें सीखना है, ऐसा कुछ करना है, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा बीमारी को चला जाता है, अगर वो बचा पाए हेल्दी इंडिविजुअल को डेवलप करके अपने देश में, तो आपका वो पैसा कहीं ऐसी चीजें काम आएगा जो आपके देश को आगे ले जाएगा, है ना। वेंटिलेटर पे लोग पड़े रहते हैं एक एक महीने तक, वो पैसा वेस्ट है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें बनाना है, बनना है अपने आप को भी बीमारियां कम से कम हमारे शरीर रूपी ग्रह में प्रवेश करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑफ दिस, सब कहते हैं करने के लिए क्या करना है, योग करना है, उपवास करना है, प्रकृति को फॉलो करना है, प्रकृति के साथ रहना है, जितनी दूरी प्रकृति से दूर होती जाएगी हमारी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी उतनी बीमारियां हमारे पास आती हैं। सो लर्न एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हेल्थ, मम्मी पापा मत बोला कि तुम लोग ठीक करो मुझे, है ना। हम क्या करते हैं जब बीमार होते हैं, पता है बेटा ब्रेड खाली लाइट है ये, है ना, है भाई बिस्कुट खा लो ये हल्का है, है ना, नहीं तो कुछ नहीं, क्या खाने का मन है, पकौड़े बना दे क्या, तो आप बीमारी अंदर डालो। और जब हमारे घर में जो कुत्ता बेचारा जैसे कुछ नहीं पता, बोलना नहीं जानता, जब बीमार हो तो क्या करता है, अगर डोंट डिस्टर्ब मी लेट मी स्लीप, लेट मी गो टू वन कॉर्नर ऑफ हाउस एंड जस्ट रेस्ट, चुपचाप पड़ जाता है सो जाता है शांति से, रो ले ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट का पहला प्रायोरिटी फूड को दी गई है इसमें, सेकंड योगा एंड मेडिटेशन है, थर्ड नंबर पे थेरेपीज, थेरेपीज
आपके सिम्टम रिलीफ करने के लिए, और लॉन्ग रन में जब कंटिन्यू होगा तो उसको हम जा सकते हैं। बट ये नीचे लेवल पे जितने हरे लाल पीले जितने फल सब्जियाँ दिखाई ना, इतनी ट्रेमेंडस पावर है, इतनी ट्रेमेंडस पावर है कि आपको कैंसर के मुझसे पता नहीं चल सकते। ईमानदारी से और ईमानदारी से सामान खरीदना पड़ेगा। हम चमकता हुआ सामान खरीद लाते हैं, वॉशिंगटन का एप्पल, वॉशिंगटन का एप्पल खा रहे हैं हम, ऐसे कॉलर उठा के बोलते हैं, स्टेटस सिंबल है। वॉशिंगटन वाले नहीं खाते वॉशिंगटन का एप्पल, पता है वो खाते कन्नूर का एप्पल, कश्मीर का एप्पल। क्यों? कश्मीर का एप्पल ज़्यादा हेल्दी है, तो फोला है वॉशिंगटन का, तो जूस ही नहीं होता, कुछ होते नहीं, वाटर बेस्ड है। स्वाद कहाँ से है? वो स्वादिष्ट खाते हैं, हम जो है बेस्वाद चीज़ें खाते हैं, ये सोच के अमेरिका का एप्पल है। देसी चीज़ें खाएंगे, लोकल मार्केट से खाएंगे, जो आपके आसपास खाएंगे उनको खाएंगे। योगा और मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन के बारे में बात हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेशन में मेडिटेशन ऑटोमेटिक होता है, आपके काम की चीज़ नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी कभी ऐसा कभी कुछ बात सामने आती है तो हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेसिव पेशेंट के लिए मेडिटेशन डेंजरस हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके लिए एक्टिविटी वाली चीज़ चाहिए, स्विमिंग नाचना चाहिए, डांस चाहिए, लाफिंग चाहिए, उससे बाहर आए मेडिटेशन। बट एक नॉर्मल आदमी के लिए बैलेंस रखने थेरेपी से मिट्टी चिकित्सा हो रही है, आपकी करवाई आपने जल चिकित्सा करवाई है, जल चिकित्सा क्या करना है? कितने लोग गांव से काम करते हैं? ट्यूबवेल में नहाया कभी? नहर में नहाया कभी? वही जल चिकित्सा है। आजकल क्या है, करोड़पति लोगों के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो सेंटर्स में आते हैं जकूजी में लोग कराने, सोच लेते हैं चल मैं तैर, मैं समंदर उसमें तैर रहा हूँ नदी में, ऐसा मान लिया पूरे में नहीं नहाए कभी, पूरे में नहीं देखे नहीं कोई कहता है, तो बिल्कुल बात बना दिया हमने, भैया तुम इसमें खड़े हो जाओ, कुआ जैसा लगेगा, चारों तरफ से पानी आएगा प्रेशर से, है ना। जो आज की डेट में बीमारी है ना, वो तो जैसे डायबिटीज को कहते थे पहले, ये अमीरों की बीमारी थी, है ना। अब जो है दर्द पहुंच गया क्योंकि हम सब लोग अमीर हो गए, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया हमने। तो प्राणायाम, ओपन एयर बात करना बहुत जरूरी है, सनबाथ, क्रोमोथेरेपी के जरिए अगर सनलाइट देते तो क्रोमोथेरेपी, सात कलर होते हैं ना सनलाइट में, हमको पता है कि जब हम लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वहाँ जो चीज़ रखी होगी उसको जला सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, सोच कितनी पावर सनलाइट, वो पावर एनर्जी देना बहुत जरूरी है। ऑनली ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑन द अर्थ और यूनिवर्स क्या है, सनलाइट, और इस सन के हिसाब से आपकी साइकिल भी चलती है। What to eat, when to eat, how to eat, ये प्रोग्रेस की ओरिजिनल लाइन जो लिखी हुई है नीचे, क्या है, let food be the medicine and let the medicine be food। आगे बढ़ो, what to eat, alkaline versus acidic, साइंस के स्टूडेंट हैं बहुत सारे तो जानते होंगे, और ट्वेल्थ तक अगर साइंस पढ़े तो भी जानते होंगे alkaline और acidic क्या होता है। इंटरनल सिस्टम की पीएच जो है जस्ट ओवर 7 फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, हमारी जो पीएच होती है ब्लड की 7.45 होती है जो अप्लाई होती है स्लाइटली, उसी पीएच पे हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होंगी वो बेटर परफॉर्म करेंगे, केमिकल रिएक्शन अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, हमें बीमारियाँ हो जाएंगी, अगर एसिडिक हो गई बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, अल्कलाइन में हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, उसमें बीमारी कम होती है। और मेटल प्रोसेस के कारण बहुत सारा एसिड फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी को एसिडिक करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमें 3 लीटर पानी पीना, जिससे वो न्यूट्रल हो जाए परफॉर्म, क्योंकि अल्कलाइन हो जाए इससे परफॉर्मेंस अच्छी रहे हमारी। नेक्स्ट, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी को चाहिए 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड, मिलता क्या बॉडी को, उल्टा, कैसे, नेक्स्ट दबाव का सीरियल, मैदा, स्वीट, फैट, नॉन वेजिटेबल फूड, कैट फूड, फैट्स, ये सब ज़्यादा खाते हैं,
ऊपर वाली लाइन में लिखा है वो बहुत कम होता है। कहते हैं 9 सर्विंग होनी चाहिए एक व्यक्ति की दिन की फल की, तो आधा किलो से 700 ग्राम तक फल रोज खाना चाहिए। लाइव वर्सेस डेड फूड, मैं बोल रहा था जिंदा भोजन करना है, जिंदा मतलब आदमी को या जानवर को नहीं खाना। लाइफ प्राणा कितना है, उसकी बॉडी में एनर्जी कितनी है, उस जो हम खा रहे हैं उसकी लाइफ वैल्यू कितनी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट 70-30 की है, मिलता क्या उल्टा 30 उत्तर बताओ क्या है। ये अगर क्लॉक फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा। 12 से 8 बजे तक खाने का समय है, जो भी खाना इस समय में खाना है। 8 से 4 कुछ नहीं खाना और 4 से 12 ऐसी चीजें पीनी है जिससे टॉक्सिन बाहर निकल जाए आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बीच में खाएंगे तो आपकी हेल्थ जो है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चलेगी, आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म करेगी। और तब बिल्कुल मत खाइए जब भूख नहीं लग रही हो, तब मत खाइए जब आप उदास हो, जब मत खाइए जब बहुत तनाव में हो, और तब भी मत खाइए जब बहुत गुस्सा आ गया। ये ऐसी स्थिति है जहाँ हमेशा ओवर ईटिंग होती है, ठीक है। सो अलाइन योर डाइटरी हैबिट्स विद द बायोलॉजिकल क्लॉक टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि 12 से 8 सूरज सबसे ज्यादा पीक पे होता है, उसके बाद सूरज ढलना चालू होता है, उसके बाद फिर। सो व्हेन टू इज इंपॉर्टेंट, व्हाट टू ईट, ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसे क्या खाना है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आराम से काम दी क्वाइटली बिना बोले भोजन करते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट, हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट ही लेना, ठीक है। है क्या शॉर्टकट, दिख रहा है क्या कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना है, केवल योगा एक ऐसी पावर है, ऐसी विधा है जिसे हम एक्सरसाइज बोल देते हैं नॉर्मली, बट योगा इज नॉट एक्सरसाइज, केवल इकलौता ऐसा टूल है जिसमें क्यूरेटिव पावर है, जिसमें हीलिंग कैपेसिटी है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, द अर्लियर द बेटर। सो डिटॉक्सिफाई योर सिस्टम रेगुलरली, स्टे हेल्थी। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रोज हमेशा चलती है हमारे बॉडी में, बट टू स्पीड अप द प्रोसेस टू बिकम फास्ट, सो स्पीड अप हो जाएगी आपकी प्रोसेस और आप बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टे नेचुरल। एक बार आप ध्यान रखिएगा मेंटल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आपके जीवन में हमेशा याद रखिएगा अपना बेसिक नेचर कभी मत भूलिए, अगर आपसे बदलने की कोशिश करोगे तो बहुत होगा। जैसे हो वैसे ही रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीज होना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी के लिए अगर आप मान लीजिए ईमानदार है, ईमानदार नहीं है चीन में कोई कि आपको कोई बोले कि हमें कितना दे देंगे पता चाहो, है ना, क्योंकि जब बेसिक नेचर आप चेंज कर देता तो जो आप नहीं पसंद करते, अगर राइट को रॉन्ग बोलोगे या रॉन्ग को राइट बोलोगे, इसलिए कि बॉस ने बोला ऐसे या हमारी सराउंडिंग ऐसी इसलिए, तो बहुत उठ पाओगे और ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब अपनी बेसिक चीज़ों को छोड़कर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे का मुखौटा पहनने की।